हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का हलवा। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे कद्दूकस कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें एक बड़ी वाली चम्मच घी डालते हैं। मैंने ये वाली बड़ी चम्मच घी की डाल ली है और अब घी गर्म हो गया है और इसमें आलू डालते हैं। इसे धीमी आंच पे अच्छे से सेकेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। आलू के हलवे में सबसे ज्यादा इसकी सिकाई जरूरी है और इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से ना लगे। इसके लिए हम या तो नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे या फिर भारी, जो नीचे से भारी परत की कढ़ाई होती है, उसको ही लेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना और इसे लगातार चलाते रहें। इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे रखते हैं तो फटाफट चलाना पड़ेगा, वरना आप मीडियम फ्लेम पे भी रख सकते हैं। लगातार चलाते रहें और क्योंकि इसमें घी बिल्कुल ठीक मात्रा में है, इसलिए चिपक भी नहीं रहा है और अच्छे से दिख रहा है। ब्राउन होने तक और घी छोड़ देने तक अच्छे से इसकी सिकाई करते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल घी छोड़ रहा है, लेकिन अभी इसकी सिकाई हम और करेंगे और इसे और ब्राउन करेंगे, उसके बाद ही घी भी डालेंगे। अभी घी छोड़ रहा है बिल्कुल और ये सिक भी गया है। अब इसमें हम चीनी डालते हैं। इसमें मैं ये 7 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और अच्छे से ये वाली चम्मच ली है मैंने खाने वाली, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन आलू के हलवे को लगातार चलाना बहुत जरूरी है।
आप देखिए बिल्कुल इसे ठीक हो गए छोड़ दिया है और ये आलू का हलवा बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसे हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल आलू का हलवा तैयार हो गया है खाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स देखिए अब आलू का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।